हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मेरा अभी काफ़ी टाइम से जो सिलाई का जो वीडियो था वो नहीं आ रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो मेरी सिलाई मशीन थी वो ख़राब हो गई थी और मुझे चेंज करनी थी, और ये सब चीज़ें इतना जल्दी में हुई थी कि मैं डिसीज़न भी नहीं ले पा रही थी कि मैं मशीन कौन सी लूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, ऑनलाइन भी सर्च किया, यूट्यूब पर भी सर्च किया, और फिर मैंने मेरी लोकल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि कौन सी मशीन अच्छी है और जो अच्छी, मतलब जिसको हम लो मेंटेनेंस पर यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेरे पास में जो मशीन थी वो शिंगर का था, और मतलब पोर्टेबल मशीन थी, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने लगभग उसको 5 साल लगभग मैंने उसको कंटिन्यू यूज़ किया है। दिन के 5 से 6 घंटे वो उसको मैं यूज़ करती थी बहुत अच्छे से, और वो चलती भी बहुत अच्छी थी, और साथ में उसमें कई सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जैसे पिको, और ये पिको का पिको भी था उसमें, और इंटरलॉक भी था, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन इन सब के साथ साथ अगर आप उसमें घर में सिंपल सिलाई करते हैं तो वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जैसे हम लोग ड्रेसेस बनाते हैं राधा कृष्णा जी की, तो उसमें क्या रहता है कि अस्तर भी होता है, कपड़ा भी होता है, फिर उसके ऊपर डबल ट्रिपल हम लेस भी लगाते हैं, और ऊपर से फिर हम उसमें प्लेट्स भी डालते हैं, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता था, जिस वजह से क्या रहता था कि उसका धागा तोड़ना, सुई तोड़ना एक नॉर्मल चीज़ें हो गई थी। इस चीज़ को मैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यू फेस कर रही थी और यही सोच रही थी कि अब चेंज करूंगी, लेकिन ना तो उतना ज़्यादा, मतलब किसी भी हिसाब से पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो रहा था। फिर जब वो अचानक से ही बंद हो गई तो फिर सोचा कि अब तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। पहले हम लोगों ने नॉर्मल मशीन देखा, जो हाथ वाली मशीन रहती है उसमें हम अलग से मोटर फिट कराकर उसको इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं, पहले वो देखा। लेकिन उसके बारे में जब काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो उसमें ये मतलब इशू आ रहा था कि इसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप इसको दिन के 5 से 6 घंटे यूज़ करेंगे तो इसको हर 2 से 3 महीने अच्छा खासा मेंटेनेंस इसको चाहिए, सर्विस इसकी करानी ही करानी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको टाइम है या नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरे साथ में ये भी थी कि मैंने इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलाई थी, तो मुझे आदत नहीं थी उस मशीन की, क्योंकि मेरे से वो खोलना, उसको सब चीज़ें फिट करना मुझे नहीं आता था, क्योंकि नॉर्मल मशीन मैंने कभी चलाई ही नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं था उसका बिल्कुल भी। तो मुझे यही हो रहा था कि कहीं मैं ये मशीन ले भी लूँ और बाद में ये मतलब मुझसे चले भी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बहुत सारी सर्च करने के बाद में पता चला कि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन लीजिए, जो जैक की आती हैं वो अच्छी रहती है, स्पेशली अगर हम बुटीक का कोई भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें हैवी ड्रेसेस बनानी होती है, लेस भी हैवी होती है, फैब्रिक भी हैवी होता है, तो उसके लिए जो रफ एंड टफ जो स्टिच रहती है ना वो आपको जैक से मिल जाती है। तो फाइनली फिर यही फाइनल हुआ और हम लोग जैक लेकर आए। ये देखिए, ये जैक F5 मॉडल है, तो बहुत स्मूथ है चलाने में, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले ही आई है, तो थोड़ा सा मैंने इसको यूज किया है, काफ़ी स्मूथ है चलाने में, बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है इसकी, स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसे इसको चलाना है, कैसे क्या करना है। तो ये हमने ले ली है ताकि और भी अच्छा और बेहतर काम कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ये देखिए, ये है जैक F5 मॉडल, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, और अगर बात की जाए तो ये मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूज़ होती है, और क्योंकि आप इसको कंटिन्यू 24 घंटे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी मोटर हीट करेगी, आप इसको कंटिन्यू इतना ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। ये देखिए, जो अभी जैक का F5 अपग्रेड मॉडल है वो ही हम लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी सी है, सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इसका मीटर दिया गया है, इसमें आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, और इसमें ये नीचे की साइड इसमें ये पैडल दिया गया है, ये भी मतलब मोटर का पैडल है, ये बहुत ईजिली इसको बस खाली हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये चल जाती है। इसमें खुद का इनबिल्ट टेबल दिया गया है, अलग से कुछ भी नहीं लेना था हमें। तो ये देखिए, इसमें ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, आप इसको यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, और इसमें एक चीज़ है कि आप इसको डायरेक्ट ना लगाएं, जब भी आप इसको मतलब ख़रीदें नया लेकर आएं तो इसके साथ में एक स्टेबलाइज़र ज़रूर लेकर आएं। ये देखिए, जैसे हमने ये यहाँ पर स्टेबलाइज़र लगाया है इसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें मदरबोर्ड दिया गया है, कई बार क्या रहता है लाइट ज़रा भी कम ज़्यादा होती है तो ये मदरबोर्ड इसका मतलब ख़राब हो जाता है, जो काफ़ी कॉस्टली इसमें फिट होता है, तो इसके लिए फिर हमने ये स्टेबलाइज़र ख़रीदा। और अगर प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस
मुझे 23,000 पड़ा है और 500 हमने इसका डिलीवरी चार्ज दिया है, क्योंकि ये मैंने मेरे लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी है, अप्रोक्स इसमें 40 kg वेट है, मतलब अकेले बंदे से तो ये हिलेगी भी नहीं, उठती भी नहीं है, बहुत भारी है। तो इसको घर तक आने में, मतलब हम जब इसको लेकर आए तो ये हमें 23,500 में पड़ी है। और मैंने इसको यूज किया है, काफ़ी अच्छा है। ये इसमें लीवर दिया गया है सिलाई को आगे पीछे करने के लिए। ये इसका मीटर है जिससे आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी स्पीड है। इसमें जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है वो 40 की स्पीड दी गई है। ये देखिए, ये इसमें 40 की स्पीड दी गई है और मिनिमम जो इसकी स्पीड है वो 5 की स्पीड है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें आपको कहीं से भी ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें नीचे की साइड ही ऑयल टैंक दिया गया होता है। ये देखिए, ये है इसका ऑयल टैंक, जिसको हमें हमेशा हाई पे रखना होता है। अगर ये लो पे आ रहा है तो आप इसको दोबारा से फिल करना होता है। तो ये देखिए, इसमें खाली जैसे अदर मशीन्स के अंदर रहता है, जो मतलब पोर्टेबल मशीन रहती हैं उनके अंदर काफ़ी सारी सिलाई रहती हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक सिलाई, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल जो सिलाई रहती है वो है, लेकिन आप इसको रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हैं। कितना भी मोटा फैब्रिक है, कुछ भी है, आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपसे इसकी एक बार अच्छे से सेटिंग हो जाती है फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। धागा डालने के लिए इसमें ये यहाँ पर दो लूप दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है, यहाँ से दिए। देखिए, हम इस तरह से इसमें धागा डालते हैं। सब कुछ बहुत ही सिंपल दिया गया है और इसमें साथ में ये लाइट दी गई है। लाइट आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका यूज है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कम हो गया और ये यहाँ पर बंद हो गया। और साथ में अगर आपको बहुत थोड़ी सी सिलाई लगानी है, जैसे कहीं पे भी कॉर्नर वगैरह है, तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। और जब भी आप इसको खाली चलाएं तो हमेशा इसका धागा ऊपर का भी और नीचे का भी निकाल कर तब आप इसको खाली चलाएं। अगर आप इसको ऐसे चलाएंगे तो इसमें धागा फंस जाएगा, जिसको थोड़ा सा निकालने में भी प्रॉब्लम रहती है। और ये है इसमें सिलाई को कम ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मोटा बारीक करने के लिए, ये इसमें दिया गया है। और ये है इसका पैडल। और साथ में ये, अगर आपको दोनों हाथों से बिल्कुल फ्री वो करना है, मतलब ये बोलते हैं जैसे फ्री सिलाई करना है ना दोनों हाथों से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगी, जिसमें ये अगर आप अभी आप यहाँ पर भी देखिएगा, ये ऊपर की साइड उठेगा, लेकिन ये अभी लाइट में है तो शायद, ये देखिए अब शायद अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, इसका जो ये फुट है ना वो ऊपर हो जाता है, अगर आप देख रहे हैं तो। ये देखिए, बिल्कुल हैंड फ्री होकर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको घुटने से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा न्यू मशीन जो मैंने लिया है, जैक F5। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई देख लेते हैं कि इसकी सिलाई कैसी आती है। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसमें धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद थोड़ा सा लंबा ही रखें। पहला, जब आप इसमें सुई को थोड़ा अंदर की साइड जाएं, तब आप इसको हाथ से ही नीचे की साइड लेकर जाएं, अब आप इसको पैडल से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका साउंड भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि साउंड बहुत ज़्यादा है, साउंड भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम है। ये देखिए, इसकी सिलाई की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, नीचे की साइड से भी, ऊपर की साइड से भी। और अगर आपको इसमें सिलाई कम ज़्यादा कुछ भी करना है तो आप इसको यहाँ पर लीवर के साथ इसको यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, मतलब जब आपको इसकी सिलाई करनी हो। ये देखिए, यहाँ से आप इसमें बड़ी सिलाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कपड़ा पीछे की साइड ऐसे खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको जस्ट यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर हाथ रखना होता है, पीछे की साइड आपको कपड़ा खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए,
अब हमें देखिए यहाँ से जो इसके फुट हैं वो ऊपर उठाने हैं, तो उसके लिए हमें ना जब इस पीस लिए आपको रिपीट यहाँ से सिलाई करनी हो तो आपको पीछे की साइड यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए घुटने से जो अभी मैंने आपको दिखाया था वहाँ से आप इसको ऊपर कर सकते हैं, और सिलाई के ऊपर भी आप सिलाई का भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मतलब कैसे इसमें बड़ा छोटा करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये देखिए अभी हम इसको यहाँ पर पीछे की साइड लेंगे, तो अगर मैं आपको ये यहाँ से दिखाऊं तो जो ये इसका लीवर दिया गया है हमें इसको दबाना है। ये देखिए ये हमने दबा दिया, इसको दबा कर ही रखना है, और जब अब हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए और इसको छोड़ देगी, जैसे ही हम इसका लीवर छोड़ देंगे तो सिलाई आगे की साइड आ जाएगी। ये देखिए स्पीड अभी मैंने इसका कम ही रखा है, मैं मोस्टली 15 से 20 की स्पीड पे इसको यूज़ करती हूँ, और काफ़ी अच्छी इसमें फिनिशिंग वगैरह है, क्योंकि जब आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं तब आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, और दूसरी चीज़ इसमें एक और भी है कि अगर आपको बहुत छोटी सी जगह पर सिलाई लगानी है ना, तो आपको नीचे पैडल दबाने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका ये बटन दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत छोटी सी जैसे कॉर्नर वगैरह रहता है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मेरी न्यू मशीन, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है या जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया है, ये मैंने मेरे लोकल मार्केट से ख़रीदी है, ये मुझे 23,500 RS में पड़ी है, और वो भैया इनका सब डेमो वगैरह मुझे सब घर पर देकर गए थे, तो मतलब ओवरऑल अगर व्यू की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, बहुत इजी इसको चलाना है, और फिनिशिंग तो आती ही है क्योंकि आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।